दोस्तों शादी का नाम सुनते ही मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ जो शादी तय होने के बाद का बीच का समय होता है तो इसमें लड़का और लड़की दोनों की रातों की नींदें तक उड़ जाती हैं और शादी के नाम पे जो रीति रिवाज होते हैं ये देखने और सुनने दोनों के लायक होते हैं क्योंकि इसको देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के शादी के रीति रिवाज दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल पे फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो। अफ्रीका के अंदर इस परंपरा को कुछ एरियों में काफी ज्यादा मान्यता दी जाती है। जब लड़का लड़की की शादी होती है और पहली रात होती है तो वहां पर पहली रात के दिन दुल्हन की जो माँ होती है दूल्हा और दुल्हन के साथ रहती है। यहाँ पे उनका मानना होता है कि जो पहली रात होती है दूल्हा और दुल्हन कंफर्टेबल महसूस नहीं करते और एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते तो जिसके कारण वहाँ पर दुल्हन की माँ उसके साथ होती है ताकि इनका तालमेल अच्छे से बैठ सके और एक दूसरे को समझ सके। बट मेरा मानना है यहाँ पर दूल्हा इस चीज़ से पूरा कंफर्टेबल नहीं रहता होगा। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। कैसी कैसी परंपराएं यार देखने वाली बात है। आगे हम बात कर लेते हैं चीन और मंगोलिया में एक दोर नाम की जनजाति रहती है। जब इस जाति में किसी की भी शादी होती है तो वहां पर शादी के जोड़े को चाकू दे दिया जाता है और वहां पर मुर्गी को काटकर उसके अंदर से लीवर निकालने को बोला जाता है। अगर वहां पर 100% सही लीवर मिल जाता है तो ये इनके लिए काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर नहीं मिलता तब तक इनसे मुर्गी का बच्चा कटवाया जाता है जब तक इनको 100% शुद्ध लीवर नहीं मिलता। या शादी के नाम पे कैसी कैसी परंपराएं बनाई गई हैं देखने वाली बात है। तो दोस्तों शादी के नाम पे ऐसे ऐसे रीति रिवाज बनाए गए हैं जिसको सुनने के बाद हर व्यक्ति चौंक ही जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं मोरिटानिया देश के बारे में। वहां पे एक ही रिवाज रखा गया है कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो लड़कों वालों की एक ही डिमांड की जाती है भैया हमें मोटी लड़की चाहिए अपने लड़के के लिए। और इसके साथ साथ वहां पर लड़की के माता पिता क्या करते हैं पढ़ाई लिखाई की बजाय अपनी बेटी को खिलाने और पिलाने में जोर दिया जाता है और बोला जाता है कि भैया इसको पढ़ाई लिखाई इम्पोर्टेंट नहीं है इसका मोटा होना जरूरी है इसकी तभी शादी हो पाएगी। और लड़के वालों की भी यहाँ पे यही डिमांड होती है कि लड़की को कुछ करना आता है या नहीं या मोटी होनी जरूरी है क्योंकि वहां पर माना जाता है कि जितनी ज्यादा लड़की मोटी होगी उसके बाद शादी की जो जिंदगी होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी उनकी बिताई जाएगी। कैसे कैसे रीति रिवाज हैं यार चौंका देते हैं। और आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कैसी लड़की चाहते हैं मोटी चाहते हैं या पतली कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं दूसरी घंटी के बारे में। दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं केनिया के बारे में। केनिया में मिसाई नाम की जाति रहती है और वहां पे जब लड़की की शादी की जाती है तो वहां पे शादी वाले दिन लड़की के बाल काट दिए जाते हैं उसका सर मंडवा दिया जाता है और सर मंडवाने के बाद सभी उसके सिर में थूकने लग जाते हैं और इसको वहां पर इस चीज को आशीर्वाद कहते हैं। और इंडिया के अंदर अगर किसी के ऊपर थूक दिया जाए तो यहाँ पे लड़ाई भी पड़ जाती है तो ये कैसा आशीर्वाद है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ इस जाति के अंदर एक रूल और बनाया गया है कि जब भी लड़की की शादी कर दी जाती है तो लड़के को उससे पहले उस लड़की की शक्ल नहीं दिखाई जाती है सुहाग रात वाले दिन ही रात को उस लड़की की शक्ल दिखाई जाती है। वाह यार कैसे कैसे रीति रिवाज बनाए गए हैं। दोस्तों जहाँ पर भारत के अंदर सालियां दूल्हे के जूते चुराती हैं वहीं पे अंदर रोमानिया के अंदर पूरी की पूरी दुल्हन ही चुरा ली जाती है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा देता हूँ। जब भी वहां पर किसी की शादी होती है तो वहां पर जो दुल्हन होती है दुल्हन वालों की तरफ से ही उस दुल्हन को चुरा लिया जाता है और दूल्हे को वो दुल्हन देने से पहले उनकी कुछ डिमांड रख दी जाती है और जब वो डिमांड कंप्लीट कर दी जाती है तो उसको वो दुल्हन सौंप दी जाती है और उसके बाद दूल्हे को अपनी दुल्हन के साथ डांस करके भी दिखाना पड़ता है। क्या क्या रीति रिवाज बना रखे हैं यार समझ में ही नहीं आता। तो आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। दोस्तों अब हम आपको स्कॉटलैंड की एक ऐसी शादी की परंपरा के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद फिर आप चौंक ही जाओगे। वहां पर जब भी किसी की शादी होती है तो उसके जो रिलेटिव होते हैं दोस्त होते हैं तो वहां पर काली लगाते हैं दोनों को दूल्हा और दुल्हन को काली लगाते हैं। उनका मानना होता है कि अब ये रिश्ता बिल्कुल पवित्र हो चुका है और अब जब काली लगा दी जाती है उनका मानना होता है कि अब इनको रिश्ते को किसी की भी नजर नहीं लगेगी अब ये अपनी जिंदगी को एक साहूकार जिंदगी तरीके से जी सकते
सकते हैं यार, कैसा कैसे लोगों की कैसी कैसी सोच है अब आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं साउथ सूडान के बारे में। जब भी साउथ सूडान के अंदर किसी भी लड़की की शादी की जाती है तो वहाँ पर लड़कों वालों की एक डिमांड होती है, वो लड़की को पूछते हैं कि वो शादी के बाद कितने बच्चे पैदा करना चाहती है। अगर वहाँ पे लड़की ये बोल दे कि मैं शादी के बाद सिर्फ एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ तो उसकी शादी कहीं भी नहीं होती है। तो अगर वहाँ पे लड़की बोल देती है कि मैं शादी के बाद 5 बच्चे पैदा करना चाहती हूँ तो लड़के वाले खुश होने के बाद हाँ बोल देते हैं शादी के लिए। अगर वो शादी के बाद 1 बच्चा या 2 बच्चे पैदा करती है तब वहाँ पर उसका पति उसको ऑफिस तरीके से तलाक भी दे सकता है, लेकिन शादी के बाद कम से कम उस लड़की को 4 बच्चे पैदा करना जरूरी है। कैसे कैसे रीति रिवाज है यार, सोचने वाली बात है। दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड में जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वहां पर उसका कॉम्बिनेशन घोड़े के साथ किया जाता है। कैसे, जब भी वहां पर लड़की की शादी की जाती है तो उसको एक घोड़े की नाल दे दी जाती है और वो नाल जो है गुलदस्ते के अंदर फिट कर दी जाती है और फिट करने के बाद शादी वाले दिन वो अपने दूल्हे को देती है। और इस कंडीशन में एक चीज का खास ध्यान रखा जाता है, जो वहां पर घोड़े की नाल होती है उसका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी कि यू शेप में वो होनी चाहिए। ये एक शुभ माना जाता है और जिंदगी को एक अच्छे मोड़ तक ले जाता है, उनका ये मानना होता है। कैसे कैसे रीति रिवाज है ये आप देख ही सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको फिजी देश में शादी के होने वाले ट्रेंड को बताने वाले हैं। जब भी वहां पे कोई भी लड़का किसी भी लड़की का हाथ मांगने के लिए उसके बाप के पास जाता है तो उसके पास हवेल मछली का दांत होना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जब भी किसी लड़के की शादी होती है तो उससे पहले उसको अपने ससुर को उपहार के रूप में हवेल मछली का दांत देना जरूरी होता है। अगर वो हवेल मछली का दांत नहीं दे सकता तो उसकी सारी उम्र शादी नहीं होती, वो सारी उम्र तक कुंवारा रहता है। और इसके साथ साथ जब भी किसी के घर में लड़का पैदा होता है तो उसके माँ बाप बचपन से ही उसके लिए हवेल मछली का दांत ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसकी शादी करेंगे तब उसके लिए उसके होने वाले ससुर को उपहार के रूप में हवेल मछली का दांत देना जरूरी है। अगर ये परंपरा इंडिया के अंदर आ जाती तो यहाँ पर 50% मर्द आज की डेट में ऐसे ही कुंवारे ही घूमते। तो ये परंपरा आपको कैसे लगी है ये भी कमेंट करके जरूर बताइए, और सबसे नाइस आपको कौन सी परंपरा किस देश की लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट आपको कितना अच्छा लगा है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए फैक्ट के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।